लो वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि में सूर्य वाटर ब्लेसिंग दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे या फिर अभी अनमैरिड या कुमारे हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 23 से लेकर 30 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो, नए पर्सन की वो आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। 7 of Wands, 10 of Wands एंड द टावर। हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन, जिस रिलेशन में आपको सबसे ज़्यादा यकीन था, सबसे ज़्यादा भरोसा था, कुछ ऐसा हुआ अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपका रिश्ता ख़त्म हो गया, या फिर ख़त्म होने की कगार पर डाइवोर्स होने की नौबत आती दिखाई दी। कुछ ऐसे ऐसा, ये एक आपका कार्मिक अकाउंट हो सकता है, आपके कर्मों का फल हो सकता है। इसमें किसी की भी कोई गलती इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ये जो भी आपने कर्म किए हैं अब तक उनका फल, उनका रिजल्ट मिलता दिखाई दिया। लेकिन किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो रिश्ता आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा हो, और आगे जाकर वही नए सिरे से अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, उन दुखों को बुलाते हुए जो आपके चक्राज, जो 7 चक्राज आपके हो सकता है जो बिखरे पड़े हुए थे, ब्लॉक हो चुके थे, तो उनको अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके जो आपके चक्राज हैं वो बैलेंस होंगे और नए सिरे से आपको एक खुशी एक मिल सकती है। अगर आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है वही रिश्ता आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। हो सकता है कि नए सिरे से वही खुशियां आपको वापस मिल जाए आपको, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिश्ता आपके लिए बोझ और बर्डन बन चुका है, वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। अगर आप पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और एक दूसरे की मदद लेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, और रिश्ता आपको इसमें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप जो दुख के बादल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, जो ऑब्स्टिकल्स, जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो दिक्कतें अचानक से आपकी लाइफ में आई हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हों। नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत जो होगी वो आपको खुशी दे सकती है। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, कुछ के लिए डाइवोर्स हो सकता है और कुछ के लिए नए सिरे से नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें हो सकती है। तो हो सकता है कि आपका जो रिसेंट पास्ट है अभी भी उसमें आप लगे हुए हैं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, उसमें स्टैंड लेने के लिए या फिर डाइवोर्स लेने के लिए। तो इस तरह की आपकी पास्ट के, रिसेंट पास्ट की एनर्जी रही है उन चीज़ों को ठीक करने में जो आपको पास्ट में परेशान या दुख तकलीफ दे चुकी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 6 of Swords एंड 8 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफंट। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि अभी आपको इन चीज़ों से मूव ऑन करना है। जब तक आपको ऐसी जगह पर जाना है जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझ सके, और नए सिरे से आप उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो आपको
रुकावटें दे रही हैं, बाधाएं दिक्कतें दे रही हैं, नए सिरे से आप बिगनिंग और शुरुआत कर सकें। और जितना आप उसमें नए सिरे से पीस के साथ शांति के साथ अपना एफर्ट डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही अगर आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए जो आपको के लिए परेशानी तकलीफ दे रही है, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु के, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उसकी मदद लेंगे या उसकी मदद करेंगे, तो जितना एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आपके लिए जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि उन बाधाओं को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में अपनी एनर्जी एफर्ट डालना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग मजबूत बन सके और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सकें। तो लेकिन फिलहाल आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना है जो आपको रुकावटें दे रही हैं, बाधाएँ बनी हुई हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो नए पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। जोत लगी है अभी अभी देवी माँ की, अपने दादा की, चलिए देखते हैं इन दिनों नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है तो एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं। नए पर्सन की जो एनर्जी है, अभी आप जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप नए प्यार की तरफ बढ़ें या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ें, तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, जगलिंग फेज से बाहर निकलिए। पहले इस रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रही है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, तो ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए, उस यूनिवर्स उस बिगनिंग को उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। आप अभी इस रिश्ते को बिना इमोशंस में बहे स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए आप मदरली हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मदरली हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं हो जाता, जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को आपको एक्सेप्ट करना है, बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, तो तब तक आपको हीलिंग और मेडिटेशन करना है। किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताना है, चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ, बिना डिंडोरा पीटे अपनी विस्टम नॉलेज गेन कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए ताकि आप स्टेबल हो सके और कामयाब हो सके। तो आप जगलिंग फेज में दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए इस जगलिंग फेज से बाहर निकलिए, इसमें हीलिंग और मेडिटेशन कीजिए, तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ बिना इमोशंस में बहे उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कीजिए जो यूनिवर्स से आपको दे रहे हैं, ताकि ये रिश्ता आपके लिए स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और आपको प्यार और खुशियाँ दे सके। तो नए पर्सन की एनर्जी, अगर आप जगल करना बंद करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आपको इस रिश्ते में आना है, तो ये रिश्ता आपको काफ़ी खुशियाँ दे सकता है, काफ़ी प्यार दे सकता है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगर आप, हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसा रहस्य सामने आया है जिससे है, जो कोई राज खुल गया है, कोई या फिर आप कुछ ना कुछ, मतलब ऐसी बातें दिखाई दी जिसकी वजह से इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न पैदा हुई, एंजाइटी और स्ट्रेस मिला, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी,
कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो आपसे छिपाया गया है या आपने अपने पार्टनर से छिपाया है। तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कुछ भी एक दूसरे से नहीं छिपाते, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर आमने सामने उस राज को ले आते हैं जो आप दोनों के बीच में रहा है, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी दिक्कतें रही हैं, अगर आप उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो क्योंकि आप अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आप अगर क्लियरली बातें करेंगे एक दूसरे से, तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे, तो फिर से ये घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से मिल सकती हैं। लेकिन ये शर्त यही है कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी आपको नहीं रखनी है। क्लियरिटी के साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ, एक दूसरे के साथ सब कुछ आमने सामने करना है। कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता अभी भी खुशियाँ दे सकता है, अभी भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो बैठी हुई एनर्जी है, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें स्टेबिलिटी आ सकती है और खुशियाँ आ सकती हैं। तो नए और पुराने पर्सन की इवन दोनों की ही एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो भी आपका मन करे, ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप किस एनर्जी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज़, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स से गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, या फिर आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। आप लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, कुछ ना कुछ कंजूसी दिखा रहे हैं। जब तक आप उन चीज़ों से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो या तो आप अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं, या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी इगोस्टिक इंसान है, जो आपके लिए लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या फिर वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, हो सकता है कि वो पहले ही किसी के साथ अटैचमेंट फील करते हों, किसी के साथ उनके संबंध पहले से हों, और वो आपको धोखा दे रहे हों, आपके साथ चीटिंग ऑपरेट कर रहे हों। तो ऐसे पर्सन से आपको, अगर आप चाहें तो, अगर आप ये ठान लें कि आपको डाइवोर्स चाहिए, दूरियाँ चाहिए, तो डिटर्मिनेशन के साथ आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस रिश्ते से तलाक चाहेंगे, डाइवोर्स चाहेंगे, तो आपको वो मिल सकता है। और अगर आप एक दूसरे से बातें करते हुए बजाय कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलें, किसी का ठिठोली करें, किसी की पीठ पीछे कुछ ऐसा वार करें जो आपके लिए सही नहीं है, तो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रहे हैं, क्लियरली आप एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, तो अगर तो जैसा आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये रिश्ता जा सकता है। अगर आप डाइवोर्स चाहेंगे, डाइवोर्स मिल सकता है, तलाक चाहेंगे, तलाक मिल सकता है, और आगे आप बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जिसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए आप हिम्मत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, उसी चीज़ के लिए आपको आगे बढ़ सकते हैं। उसी में आपकी जीत होगी, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो आप डाइवोर्स कर सकते हैं या रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका पर्सनल मैटर है कि आप क्या करना चाहेंगे, लेकिन यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, चीटिंग, फ्रेब और धोखाधड़ी है, तो इससे आपको बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।